Hi everyone, so welcome back to my channel in Glam Beauties. Myself खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. और आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए सिंपल सी थिन बॉर्डर वाली साड़ी को चार डिफरेंट स्टाइल में ड्रेप करके दिखाऊंगी. तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. तो यहाँ पे स्टाइल नंबर वन में मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको टाइट फिटिंग की साड़ी वेयर करना सिखाऊंगी, जिसमें आप थिन तो लगोगे ही साथ आपकी अपीयरेंस और हाइट भी लंबी लगेगी. सबसे पहले तो आपको अपने राइट हैंड साइड से साड़ी की टकिंग शुरू करनी है और उसके बाद एक राउंड कंप्लीट कर लेना है. अब आपको अपने आपकी जो पल्लू की फैब्रिक है उनको आपको पीछे की साइड से घुमाकर फ्रंट पे रख लेना है और बॉर्डर को इस तरीके से मिलाकर साड़ी को आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे पकड़ लेना है. उसके बाद आपको बॉर्डर को मिलाते हुए यहाँ पे सेफ्टी पिंस लगाना है ताकि ये बॉर्डर कुछ इस तरीके से आपको दिखे. तो यहाँ पे मैं ऐसे ही करते हुए थोड़ी सी दूर तक जितनी लेंथ मुझे चाहिए मेरी पल्लू के लिए उतनी लेंथ पे मैं सेफ्टी पिंस यूज़ करूँगी एंड देन बॉर्डर की जितनी चौड़ाई है उस चौड़ाई को मेंटेन करते हुए मैं इनको प्लीट्स में अरेंज करूँगी. अब उसके बाद मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन से इनको सिक्योर करती हुई जाऊँगी और ठीक वैसे ही मैं इनको अरेंज करूँगी जैसे मैंने इनको गैदर किया था. उसके बाद एक एक करके मैं यहाँ पे प्लीट्स में इनको अरेंज करती हुई जाऊँगी और लेंथ यहाँ पे अगर आप अपनी हाइट साड़ी में लंबी दिखाना चाहते हो तो हमेशा आपको अपनी पल्लू की लेंथ अपने नीज तक रखना है. आप चाहो तो नीज से हल्का नीचे तक भी रख सकते हो. जब आपको आपकी लेंथ मिल जाती है देन आपको अपने आपकी पल्लू को अपने ब्लाउज के साथ अटैच कर लेना है. अब यहाँ पे आपको स्लीम देखने के लिए अपने कमर के पास फैब्रिक को कुछ इस तरीके से लाकर इनको टाइट करना है. यहाँ पे फैब्रिक को बिल्कुल टाइट करते हुए आपको 2 से 3 प्लीट्स बिल्कुल पतली प्लीट्स आपको बनानी है और उसके बाद अपने पेटीकोट से अटैच करते हुए एक सेफ्टी पिन यहाँ पे यूज़ करना है. अब फाइनली जितनी भी फैब्रिक बचती है आप उनको प्लीट्स में अरेंज कर लीजिए. यहाँ पे मेरी फैब्रिक जो है वो मेरी सिल्क की फैब्रिक है तो इसलिए मैं यहाँ पर प्लीट्स काफ़ी ज़्यादा अरेंज कर रही हूँ. अगर आप ऐसी साड़ी में प्लीट्स ज़्यादा भी बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको इसमें प्लीट्स अरेंज करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आप देख सकते हो मैंने जैसे फैब्रिक को प्लीट्स में गैदर किया है ये उसी तरीके से खुद ब खुद अरेंज हो गई है. अब केवल मैं प्लीट्स को पकड़कर जर्क दूंगी और यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन लगाऊंगी एंड देन अब मैं अपने बेली बटन के पास इनको टक कर लूँगी. अब जितनी भी राइट साइड के तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक बची हुई है इनको अब मैं प्लीट्स को ऐसे पकड़ते हुए और फिर इनको टक कर लूँगी. अब जितने एक्स्ट्रा पिंस यहाँ पे लगे हुए हैं मैं इन सारे को रिमूव कर दूँगी क्योंकि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और बस आप यहाँ पे फाइनल लुक देख सकते हो. तो इस तरीके से अगर आप साड़ी ड्रेप करते हो तो आपकी अपीयरेंस भी लंबी लगेगी, साथ ही आप इस लुक के साथ थिन लगोगे. तो अब चलते हैं हम अपने स्टाइल नंबर 2 पे, जिसमें कि मैं आप सभी को धोती स्टाइल की साड़ी ड्रेप करना दिखाऊंगी इस सेम साड़ी से. तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके की सिल्क की साड़ी है जो कि हल्की सी स्लिपरी है तो आपको क्या करना है धोती स्टाइल करने के लिए कि बीच में आपको नॉट बनाना है, फैब्रिक को आपको लेफ्ट साइड के तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और उसके बाद इनको सबसे पहले तो प्लीट्स में अरेंज करना है. बॉर्डर के पार्ट्स को आपको फ्रंट में रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए. उसके बाद अब आपको क्या करना है कि बॉर्डर को पहले आप अपने पैरों पे अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए और उसके बाद पीछे की साइड पे एक प्लीट की फैब्रिक उठाकर और फिर अपने बैक पे आप इनको टक कर लीजिए. ओके, सो फैब्रिक को आपको टक नॉट के अंदर करना है ना कि लेगिंग्स के अंदर. अब यहाँ पे जो फैब्रिक है राइट लेग के पास उसके साथ भी हमें सेम वैसे ही करना है और 2 प्लीट्स बनाकर हम इनको पीछे की साइड यहाँ पे टक करेंगे. अब जितनी भी यहाँ पे फैब्रिक बच गई है हम इन फैब्रिक को अपने हैंड पे कुछ इस तरीके से फैलाएंगे और उसके बाद पैरों के पास से इनको टाइट करते हुए अब हम इनको एक एक करके प्लीट्स में अरेंज करेंगे. तो यहाँ पे आपकी जो पल्लू आएगी वो बिल्कुल जिगजैग पैटर्न में आएगी तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़
ध्यान में रखनी है। और उसके बाद जब आप इनको गैदर कर लेते हो, देन सेफ्टी पिन से आप इनको सिक्योर कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पे इसका फाइनल लुक देख सकते हो। अब चलते हैं हम अपने स्टाइल नंबर 3 की ओर। तो स्टाइल नंबर 3 को करने के लिए आपको यहाँ पे एक इलास्टिक रबर की ज़रूरत पड़ेगी, और इलास्टिक रबर को आपको सेफ्टी पिन से बिल्कुल टाइटली यहाँ पे सेट करना है। अब आप जिस भी साड़ी की यहाँ पे आप ड्रेस बनाना चाहते हो, उसको केवल और केवल आपको प्लीट्स में अरेंज करना है। तो यहाँ पे मेरी जो फैब्रिक है वो सिल्क की है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो ड्रेस बनाना चाह रही हूँ वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है इस लुक में। तो यहाँ पे मैं बस प्लीट्स को अंदर की तरफ टक करूँगी, और जितने भी यहाँ पे प्लीट्स बने हैं उनको अब मैं एक एक करके अपने हाथों से स्प्रेड करूँगी। ध्यान ये रखना है केवल कि दो प्लीट्स के बीच में जो आप डिस्टेंस रखते हो वो डिस्टेंस एक समान होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इनको यहाँ पे सेट कर लिया है। अब जो किनारे की साइड जो बॉर्डर दिख रही है इसको मैं प्लीट्स के ऊपर से ही इनको अंदर की तरफ मैं हाइड कर लूँगी। अब मेरे पास ड्रेस से मिलता जुलता एक बेल्ट था, तो इस बेल्ट के साथ अब मैं अपने ड्रेस को कंप्लीट करूँगी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फ्रॉक स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग रेडी है। तो अब आ जाते हैं हम अपने इस वीडियो की लास्ट स्टाइल नंबर 4 पे। तो इस स्टाइल को ड्रेप करने के लिए मैंने पहले से ही नॉर्मल बेसिक टकिंग करके रखी है साड़ी की, और अब यहाँ पे केवल मैं इसकी पल्लू को इस तरीके से पीछे की साइड घुमाऊंगी, और केवल इसकी एक कॉर्नर ऊपर की साइड वाली कॉर्नर को पकड़कर, और फिर इनको मैं अपने लेफ्ट साइड के शोल्डर पे रखकर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी। अब पीछे की साइड से इनको मैं घुमाऊंगी, और बॉर्डर की यहाँ पे जितनी यहाँ पे फैब्रिक है आप देख सकते हो, कमर के पास जो बॉर्डर छोड़ी जाती है साड़ी की, वो बॉर्डर जहाँ तक आई है मैं इनको अपने लेफ्ट साइड के कमर के पास इनको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर रही हूँ। अब यहाँ पे जितनी भी फैब्रिक बची हुई है उनको अब हम केवल और केवल प्लीट्स में अरेंज करेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि हमारी जो राइट साइड की तरफ वाली फर्स्ट प्लीट होती है उसको हम बाकी सारे प्लीट्स की तुलना में थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, ताकि वो राइट साइड की तरफ भागती हुई ना दिखे। और उसके बाद प्लीट्स को जब हम टक कर लेंगे, देन हमने जो यहाँ पे बॉर्डर वाली फैब्रिक छोड़ी थी उसको उठाएंगे और इनको अब हम यहाँ पे प्लीट्स में अरेंज करेंगे। तो ये जो साड़ी स्टाइल है वो मेरी बिल्कुल न्यू क्रिएशन है, तो इसलिए अभी मैंने इसको कोई सा भी नाम नहीं दिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने कमर के पास सेफ्टी पिन से बॉर्डर को सेट किया था उस बॉर्डर को मैंने खोल लिया है, और उसके बाद केवल और केवल एक वेस्ट चेन यूज़ करके आप इस लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। सो आई रियली होप कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।